नमस्ते, मैं डॉक्टर जयश्री तोड़कर हूँ और हम आज एक बहुत ही कॉमन सर्जिकल प्रॉब्लम जो हर्निया की रहती है उसके बारे में कुछ डिस्कशंस करना चाहते हैं। हर्निया एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जिसके बारे में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी लोगों में होती है, जैसे कि मुझे आज हर्निया हुआ तो वो कल अपने आप जाएगा, ऐसा नहीं होता। कुछ चीजें हैं साइंटिफिक, अगर हम समझ ले तो हम खुद को टाइमली ट्रीटमेंट दे सकते हैं और उसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस आने वाली है हर्निया की उनको सबको अवॉइड कर सकते हैं। मैं बेसिकली एक जनरल सर्जन हूँ, लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ और मेरा स्पेशल इंटरेस्ट है हर्निया के ऑपरेशंस में और ओबेसिटी माने कि स्थूलता उनके ऑपरेशंस में। ये मैं आपके साथ बहुत अच्छी भावना से शेयर करना चाहती हूँ कि मैं और मेरा टीम 2005 में हमने एक लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स किया था जिसमें हमने 46 हर्निया ऑपरेट किए थे सिर्फ 10 घंटों में। ये आज भी एक ऐसा रिकॉर्ड है जो 15 साल हुए कोई तोड़ नहीं सका। रिकॉर्ड किया था इसलिए ताकि लोगों के मन में इस विषय के बारे में एक साइंटिफिक अवेयरनेस तैयार हो जाए। अभी देखते हैं हर्निया क्या होता है। यहाँ पे आप एक स्लाइड में देख सकते हो कि अपनी जो वॉल होती है एब्डोमेन की, थोरैक्स की, किसी भी कैविटी की जो वॉल रहती है बॉडी में, वो वॉल में अगर कहाँ भी डिफेक्ट बन जाए, कुछ ऐसी होल तैयार हो जाए कि जहां से अंदर की चीजें बाहर आने की कोशिश कर रही है, अपनी खुद की कैविटी छोड़ के जब कुछ इंटरनल ऑर्गन्स बाहर आने की कोशिश करते हैं तो उसको हर्निया कहा जाता है। सीरियस प्रॉब्लम है क्या? सब हर्निया सीरियस प्रॉब्लम नहीं होते हैं, लेकिन हर एक हर्निया सीरियसली आपको कॉम्प्लिकेशंस में लेके जा सकता है और इसीलिए उसको जब वो शांत कंडीशन में है, कोल्ड कंडीशन में है, तभी उसको ट्रीटमेंट देना, ऑपरेशन के जरिए उसका पूरा इलाज करना ये बहुत जरूरी चीज है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अपने बॉडी में दो बड़ी कैविटीज होती है, एक है चेस्ट की और एक है एब्डोमिन की। ये एब्डोमिनल वॉल यहाँ पे आप देख सकते हो, जहां हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ मसल्स हैं, उसके बाजू में भी कुछ मसल्स हैं और ये मसल्स एक दूसरे को जुड़े हुए हैं सेंटर में और ये मसल्स एक दूसरे को जुड़े हुए हैं बाजू में भी। ये जो चीजें हैं जहां पे मसल एक दूसरे को जुड़ती हैं उसको शीत कहते हैं और ये शीत में किसी भी वजह से अगर डिफेक्ट तैयार हो जाए तो अंदर की सब चीजें बाहर आने की कोशिश शुरू करते हैं और इससे हर्निया बनती है। यहाँ पे आप एक वीडियो देख सकते हो, एक मोस्ट कॉमन हर्निया का जो टाइप है जिसको इंग्वाइनल हर्निया बोलते हैं, जो कि जंघे में तैयार होता है और ये हर्निया की वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। तो आप यहाँ पे ये एक वीडियो देखिए, मेल चाइल्ड में अर्थात लड़के में जब टेस्टिस बनती है, बीजांड बनती है उनकी, वो पीठ से लेके नीचे स्क्रोटम में आ जाती है, उसके साथ साथ कुछ अंदर की लेयर्स भी नीचे आती है और जैसे ही पूरी बाढ़ हो गई बच्चे की,
वो क्लोज होनी चाहिए। अगर ये हल्की सी सैक जो ऊपर से नीचे आ रही है ये क्लोज नहीं हो पाई, तो आप देख सकते हो कुछ दिन के बाद यहां से अंदर डायरेक्ट इंटेस्टाइन आ सकती है। इंग्वाइनल हर्निया एक बहुत ही कॉमन हर्निया है और इसकी ट्रीटमेंट भी बहुत सिंपल है। ये ट्रीटमेंट में हम अंदर जाते हैं, जहां पे भी वो डिफेक्ट है वो डिफेक्ट को क्लोज कर देते हैं ताकि इंटेस्टाइन वापस नीचे नहीं आ जाए। ये डिफेक्ट क्लोजर की अलग अलग टेक्निक होती है, उसके बारे में हम डिटेल्स बात करेंगे थोड़ी देर के बाद। यहां आप देख सकते हो हर्निया की ऑपरेशन इतनी सिंपल है कि पेशेंट 24 घंटे से 48 आवर्स के बीच में घर जा सकते हैं। यह हर्निया की ऑपरेशन अगर हम कोल्ड कंडीशन में जब वो शांत है तभी करेंगे तो रिकवरी टाइम 2 वीक का रहता है और एक्चुअली ऑपरेशन का टाइम सिर्फ 1 घंटा रहता है। सिंपल ऑपरेशन कैन प्रिवेंट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इफ डन इन टाइम। यहाँ पे आप आगे देख सकते हो यही हर्निया अगर ट्रीटमेंट नहीं दी गई उसकी तो क्या होता है। वॉल है, डिफेक्ट है और डिफेक्ट में से इंटेस्टाइन आ रही है कुछ देर के लिए, क्योंकि हमारा एब्डोमिनल प्रेशर कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ उसका काम चलता है, सांस के साथ हमारी कुछ एक्शंस के साथ, तो मूवमेंट्स इंटेस्टाइन की ये जो एब्डोमिनल वॉल है उसके अंदर कायम चलती रहती है। ये एब्डोमिनल वॉल की भी मूवमेंट्स बहुत होती है, हर एक सांस के साथ उसकी मूवमेंट होने वाली है। अगर समझो इसमें डिफेक्ट है तो ये अंदर की चीजें बाहर आ गई और ये बाहर ही रह गई। जैसे धीरे धीरे वो बाहर आती है वैसे वो अपने आप पीछे नहीं जाती, क्योंकि एब्डोमिनल प्रेशर पॉजिटिव रहता है, वो बाहर फेंकेगा वो अंदर खींचेगा नहीं। इसकी वजह से ये इंटेस्टाइन बाहर आने के बाद सूजन आती है, उसे खुद अपने आप वो अंदर नहीं जाती और उसको गैंग्रीन हो सकता है, नहीं तो उसको ब्लड सप्लाई उसका खतरे में जा सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। इसमें से कुछ भी चीज हो गई तो भी ये एक छोटी बीमारी बड़ी खतरनाक बीमारी में कन्वर्ट हो जाती है। यहां आप देख सकते हो ये हर्निया जिसे ऑपरेट नहीं किया गया तो वो क्या करेगा। पहले कुछ दिन के लिए कुछ बाहर आ रहा है, कुछ दिन के बाद और कुछ बाहर आ रहा है और ये नेक तो छोटी है, इसमें से वो वापिस नहीं जा सकता, इसलिए ट्रैपिंग हो गया। इसको बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द हर्निया। अगर ये ऑब्स्ट्रक्शन कुछ दिन के बाद टाइट होने वाली है तो वो टाइटनेस, वो इंटेस्टाइन की तरफ जो भी ब्लड वेसल्स जा रही है, ब्लड सप्लाई जा रही है, वो सबको अकड़ के लेती है। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो नॉर्मल कलर की पिंक इंटेस्टाइन है वो अभी ब्लू हो गई, कुछ देर के बाद वो काली हो जाती है और उसकी गैंग्रीन हो जाती है। अर्थात ये गैंग्रीन हमें निकालना पड़ता है। ये अगर आपको किसी भी दिन किसी भी टाइम में स्ट्रैंगुलेशन आ गया तो आपको इमरजेंसी ऑपरेशन की भी जरूरत है और शायद वो इंटेस्टाइन कट भी होना पॉसिबल हो जाता है अगर वो गैंग्रीन की तरफ चला गया है। कौन सा भी हर्निया है तो उसको बीमारी कहते हैं, हर्निया नॉर्मल नहीं रहता। कहां से आता है हर्निया? टाइप्स ऑफ हर्निया अगर हम देख ले तो एक टाइप है जो कंजेनाइटल, जन्म से अपने साथ आया है। जैसे कि हमने देखा इंग्वाइनल हर्निया ऊपर से वो टेस्टिस लेके आई इंटेस्टाइन को नीचे अपनी तरफ, तो कंजेनाइटल हर्निया है। किसी किसी की एब्डोमिनल वॉल बहुत वीक रहती है जन्म से,
उसको भी कंजेनिटल हर्निया हो सकता है। दूसरी टाइप है एक्वायर्ड हर्निया। एक्वायर्ड का मतलब क्या है? इंटेस्टाइन्स जिस कैविटी में है उसकी ये जो वॉल है, ये वॉल हमने देखा बीच में जुड़ी है, ये दो उसके मसल्स हैं, यहाँ पे भी अलग सेट ऑफ मसल्स है, यहाँ पे भी जॉइंट्स है, ऐसे अनेक लेवल पे जॉइंट्स रहते हैं एब्डोमिनल वॉल में, जो जॉइंट्स शायद उसमें छोटी 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 डिफेक्ट्स रह सकती है जन्म से। एक्वायर्ड हर्निया का मतलब क्या है कि किसी भी वजह से एब्डोमिनल कैविटी का प्रेशर बढ़ गया तो ये छोटी जो डिफेक्ट है वो धीरे 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 बढ़ जाती है और वहां से अंदर की चीजें बाहर आना शुरू हो जाता है। एब्डोमिनल वॉल का प्रेशर जितना अंदर से बढ़ता जाएगा उतना ये डिफेक्ट बड़ा होते जाएगा, उतना ये डिफेक्ट ज्यादा इंटेस्टाइन्स, ज्यादा ऑर्गन्स को अपनी तरफ खींच के लेके जाएगा, तो इसे एक्वायर्ड हर्निया बोलते हैं। एक्वायर्ड हर्निया का दूसरा एक टाइप है जहां पे पेशेंट्स के कुछ अगर पहले ऑपरेशंस हुए हैं, किसी भी वजह से एक्सीडेंट है, नहीं तो किसी भी वजह से ट्रॉमा हुआ है एब्डोमिनल वॉल को, और अगर वो अच्छी तरह से टाइट क्लोजर नहीं हुई है तो वहां पे एक्वायर्ड हर्निया कहते हैं। एक्वायर्ड हर्निया हो या कंजनेटल हर्निया हो, दोनों भी एक जैसे ही ट्रीटमेंट देनी है, दोनों को कॉम्प्लिकेशन होने का रेट एक जैसा ही है। मोस्ट कॉमन हर्निया हमने देखा इंग्वाइनल, जो कि हमारी एब्डोमिनल वॉल के लास्ट हिस्से में होती है। इंग्वाइनल का एक अलग प्रकार भी है जिसको फिबोडल हर्निया बोलते हैं, जहां पे इंटेस्टाइनल कंटेंट थाई में जाना शुरू हो जाता है, वो बाहर नहीं आता, वो थाई में जाना शुरू हो जाता है। तीसरा टाइप जो है वो है अम्बिलिकल हर्निया, जो अपनी नाभि से बाहर आने की कोशिश करता है, तो नाभि की जगह पे आपको एक बलून दिखना शुरू हो जाए। चौथा टाइप है एपिगैस्ट्रिक हर्निया, जो कि सेंटर ऑफ द एब्डोमेन में आना शुरू हो जाता है। पांचवा है हायटल हर्निया, जहां पे एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ने के बाद एब्डोमिनल ऑर्गन्स ये चेस्ट में आना शुरू होते हैं, जिसको हायटल हर्निया बोलते हैं।